हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीत सलाल, फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन। वेलकम बैक गाइस। आज बात करने वाले हैं हम बैक वर्कआउट की। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक जिम्मेदार जिद्दी की तरह घर पे वर्कआउट कर ही रहे होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे, और आपको जो आर्म्स का वर्कआउट है, चेस्ट का वर्कआउट और शोल्डर्स का वर्कआउट पसंद आया होगा। नाउ आज बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, बैक वर्कआउट की। तो हम डंबल से ही कैसे बैक का वर्कआउट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली एक्सरसाइज करने से पहले भाई ये टी शर्ट उतारनी पड़ेगी, क्योंकि बैक कैसे काम करता है ये भी आपको देखना पड़ेगा, राइट भाई। सो गाइस, पहली एक्सरसाइज लगाने से पहले प्रोटोकॉल समझ लीजिए कि ये भी एक जॉइंट सेट है जिसमें हम चार एक्सरसाइज लगाएंगे। लगातार चारों एक्सरसाइजेस को लगाने के बाद आपको रेस्ट लेना है यहाँ पे 2 से 3 मिनट का। अब पहली एक्सरसाइज क्या है ये समझिए। सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारी बेंड ओवर रोज, जो हम डंबल से लगाएंगे। अब देखिए, इसमें 2-3 ग्रिपिंग्स होती हैं, आप समझिए। सबसे पहली जो ग्रिपिंग होती है वो है प्रोनेटेड ग्रिप, जिसमें आपका हाथ यूं रहता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी न्यूट्रल ग्रिप, और एक होती है सुपिनेटेड। अब यहां पे हम जो कर रहे हैं वो है प्रोनेटेड ग्रिप में रोज लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब आप डंबल रोज लगाएंगे तो यहां पे करीबन आपके 15 रेपिटेशन आने चाहिए इस तरीके से। 1। अब तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, पुलओवर्स लगाने हैं। दूसरी एक्सरसाइज, पुलओवर के लिए आपको इस तरीके का एक स्टूल चाहिए। डंबल्स को आपने इस तरीके से पकड़ना है और लेटना है। अब ये जो पुलओवर्स है हमारी, ये है लैट्स के लिए, ठीक है। अब लैट्स के लिए जब भी पुलओवर्स लगती है तो इंगेजमेंट लैट में रखने के लिए आप सबसे पहले तो स्ट्रेच ज्यादा देते हैं इतना, और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो पूरा यहां तक लेके आना है, ठीक है। इसमें हालांकि आपका चेस्ट भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन लैट्स ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लैट्स की होगी। इसके भी आपको 15 रेपिटेशन लगाने हैं। डंबल के साइज पे डिपेंड करेगा, वेट पे डिपेंड करेगा कि आपके रैप्स कितने आएंगे। भारी डंबल होगा तो 12 तक भी आ सकते हैं, और 7.5 में 15 रेपिटेशन तक आप निकालेंगे। ओके, अब तीसरी एक्सरसाइज आती है यहां पे सिंगल आर्म डंबल रोज। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, देखिए वेट कम है हमारे पास तो इसको डिफिकल्ट कैसे बनाएं। ग्रिपिंग डंबल के टॉप हिस्से पे करनी है यूं, ठीक है। एक इस तरीके का चेयर या टेबल आपके पास होना चाहिए, दोनों पैर बराबर रखोगे आप, और आपको डंबल को यूं स्विंग करना है। 1 स्ट्रेच 2। पूरा स्क्वीज करना, देखिए पूरा ऑल द वे अप एंड स्ट्रेच। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी हाइपर एक्सटेंशन। इस तरीके से जमीन में लेटना है, दोनों हाथों को सामने रखना है और लोअर बैक को टारगेट करना है। टोटल इसके 12-15 रेपिटेशन, जितने भी आपके मैक्सिमम आ सकते हैं आपको लगाने हैं। 6 7 8। और आपको ऐसे अगर वेट है आपके पास तो वेट लेके भी आप कर सकते हो। 1 2 3 4, ठीक है। ये 2.5 kg का डंबल है, गजब बेइज्जती है। तो डंबल लेके भी कर सकते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि विदाउट वेट आप हाथ को यूं रख के हाइपर एक्सटेंशन करिए। सो गाइज, ये थी चार एक्सरसाइजेज जो आपको एज अ जॉइंट सेट लगानी है, यानी कि बिना रेस्ट लिए, और उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना है। देखिए, डंबल आपके पास अगर हैवी है तो रेपिटेशन रेंज थोड़ा सा कम हो सकती है, लेकिन कोशिश यही रखना कि 12 से 15 रेपिटेशन तो निकले ही उसमें। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि यार इसमें ओवरहेड मूवमेंट तो है ही नहीं, हम कोई पुलअप्स नहीं कर रहे, हम लैट पुल डाउन जैसी कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अब देखिए, घर पे ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा पुलअप बार नहीं होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा दीवार है या ऐसी कुछ चीज़ है तो आप लगा सकते हो, उसको भी ऐड कर सकते हो। लेकिन विदाउट एनी पुलअप बार वाली फैसिलिटी, घर पे आप ये सारी चीज़ें भी करोगे ना, तब भी आपका एक ओवरऑल बैक ट्रेन हो सकता है। बैक में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लैट्स आपका बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट टारगेट होना, आपके
ट्रेपीजियस मसल टारगेट होने चाहिए, आपका टेरेस माइनर टारगेट होना चाहिए, इरेक्टर स्पाइन है जो लोअर बैक का मसल है वो टारगेट होना चाहिए। तो हमने बहुत कोशिश करी कि ये सारे मसल्स को टारगेट किया जा सके और ये पूरे वर्कआउट में कम से कम ना आपको 30-35 मिनट्स में पूरा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप किसी तरह का कार्डियो या फिर कोई फंक्शनल मूवमेंट कर सकते हो, एब्स कर सकते हो थोड़ा और कैलोरी बर्न करने के लिए, और आप फिट रह सकते हो। सो गाइस, इस तरीके से आप एक जिम्मेदार जिद्दी भी बन सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, कमेंट सेक्शन में बताना कि और किस तरीके के आपको वीडियोस देखने हैं, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मुझसे अपनी बात जरूर शेयर करिए। ऑलराइट, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।